बातों का। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। आज की जो वीडियो है वो बेस्ड रहेगी दोस्तों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही खास है। इसमें आज हम मोटा मोटा बेसिक जानकारी देंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, और कई आइडियाज, स्ट्रेटजीज और कई सारी बातें जानेंगे जो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को जानना बहुत ही जरूरी है। देखिए इंट्राडे क्या होता है, स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इसके बारे में मैंने एक वीडियो में बताया है। ऊपर एक लिंक आ रहा है, आप उसका थोड़ा आगे का फर्स्ट पार्ट देखिएगा वीडियो का, आपको समझ में आ जाएगा कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आखिर होता क्या है। तो आइए आज जो चर्चा शुरू करते हैं वो शुरुआत हम करेंगे, देखिए व्हाट शुड यू फॉलो इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। पहले तो एक छोटा सा मैं चीज बता देता हूं आपको, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वो होती है, देखिए जैसे मान लीजिए आज तारीख है 9 अगस्त, आज आपने कोई शेयर खरीदा, मान लीजिए 9 अगस्त 2020 है और आपने कोई, आपको कोई अच्छी कंपनी मिली, आपने अच्छा फंडामेंटल एनालिसिस किया, आपको उसका प्राइस बहुत ही अच्छा लगा, लेने लायक कंपनी लगी और उसका फ्यूचर भी आपको पता है कि थोड़ा सा अच्छा रहेगा, तो आपने जो आज इन्वेस्टमेंट किया, आपने कुछ मान लीजिए 100 शेयर्स, या हो सकता है 1,000 शेयर्स, या हो सकता है 1 लाख शेयर्स, या हो सकता है 1 करोड़ शेयर, जैसी आपकी कैपेसिटी है। देखिए कैपेसिटी तो अपने अपने पैसे पे डिपेंड करती है, जितना आपके पास पैसा होगा, जितनी आपके रिस्क लेने की क्षमता होगी, कितना आप इन्वेस्ट करना चाहती है। तो मान लीजिए आती है, तो मान लीजिए आती है, तो मान लीजिए आज आपने, मैं फॉरेन ईज 100 शेयर्स ले लेता हूँ, आज आपने किसी ABC कंपनी के 100 शेयर्स लिए, अब आपको पता है कि उस कंपनी का सब फ्यूचर में ठीक ठाक सा रहेगा और अच्छी ग्रोथ वो कंपनी दिखाएगी, तो उसके मद्देनजर उसका शेयर प्राइस भी अच्छी ग्रोथ दिखाएगा। तो मान लीजिए आज वो आपने दिया था फॉरन एवरेज 200 रुपये में, 200 रुपये में 100 शेयर खरीदे, तो अगर आप उनको लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म एक आपके हिसाब से कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए मैं जनरली मानता हूँ 3 से जो 10 साल का पीरियड होता है उसको लॉन्ग टर्म माना जाता है। कंपनी जो अच्छी कंपनीज होती हैं वो इन टाइम पीरियड में अच्छे रिजल्ट देती हैं, अच्छा शेयर प्राइस उनका 2 गुना, कभी 4 गुना, हो सकता है कभी 10 गुना भी हो जाए, हो सकता है कभी 50 गुना भी हो जाए शेयर प्राइस। तो जो अच्छी कंपनीज रहती हैं, ग्रोथ वाली कंपनीज, तो उसमें ये स्ट्रेटेजी, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया जाता है जनरली। तो आपने मान लीजिए आज 100 शेयर खरीदे 200 रुपये में और वो बढ़ते बढ़ते 3 साल बाद हो गए हैं 600 रुपये का एक शेयर हो गया, या हो सकता है 1,000 रुपये का एक शेयर हो गया, तो लॉन्ग टर्म के लिए आपने उसको होल्ड किया शेयर को, उसके बाद जब आपको लगा कि हाँ मेरे को अच्छा प्रॉफिट हो गया, मेरा गोल जो है वो अचीव हो गया है, तब आप उन शेयर्स को बेच के उसमें आपने प्रॉफिट कमाया। तो इस जो स्ट्रेटेजी को कहते हैं ये होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। तो आइए, मुझे उम्मीद है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का छोटा छोटा आपको मालूम पड़ गया होगा मोटा मोटा कि क्या होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। उसके बाद देखिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करेंगे व्हाट शुड यू फॉलो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको क्या फॉलो करना चाहिए। पहली तो बात जान लीजिए, डिफाइन योर गोल्स, आपके गोल्स जो हैं वो बहुत ही जरूरी हैं। आप कहीं पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, मान लीजिए कोई FD आप कराना चाह रहे हैं, तो किस वजह से कराने, आपके बैकअप माइंड में वो रहता है ना कि आगे मुझे ये सेविंग चाहिए, या मेरे को इमरजेंसी में कभी जरूरत पड़ जाए तो मैंने FD करवाई है। तो इस तरह से आपके जो गोल्स हैं, शेयर मार्केट में आप चाह रहे हैं कि शेयर में मैं इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ, उतने साल बाद पैसा लगा निकालूंगा मैं, तो वो जो गोल्स हैं वो थोड़ा सा डिफाइन कर लीजिए अपने को। किसी के अलग अलग गोल्स होते हैं, हो सकता है किसी की शादी हो, किसी को आगे फाइनेंशियली सिक्योर होना, किसी को रिटायरमेंट जल्दी लेना हो, तो इस तरह से आपके अलग अलग गोल्स हो सकते हैं, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करते हैं। तो वो गोल्स एक छोटे से कागज में, या तो मैं कहूँगा ऑनलाइन कहीं जीमेल पे या कहीं भी आप सेव कर लीजिए, तो उससे क्या है आपको डेफिनेशन अपने गोल्स की मालूम रहेगी और आप अपने इन्वेस्टमेंट को ठीक से फॉलो कर पाएंगे। तो पहला तो ये हो गया कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को गोल जरूर पता होना चाहिए कि आखिर वो जो पैसा कमाना चाहते हैं, आखिर जो वो मनी ग्रोथ चाहते हैं, वो किस वजह से, किस लिए चाहते हैं। उसके बाद बात आती है, देखिए फंडामेंटल स्ट्रांग कंपनी, ये बहुत जरूरी है। जो कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग हो उसी में आप पैसा इन्वेस्ट करिए, तभी आपके पैसे ग्रोथ होने के चांसेस ज्यादा हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो कंपनी खराब नहीं हो सकती, इन फ्यूचर हो सकती है, आपका शेयर प्राइस डूब भी सकता है। देखिए पहली मैं बता रहा हूँ, बहुत तरह के फ्रॉड्स भी चलते हैं शेयर मार्केट में, बहुत तरह की दिक्कतें भी आते हैं, और फ्रॉड्स के ऊपर एक बहुत ही धमाकेदार वीडियो, बहुत ही गुस्से वाली वीडियो आप समझ सकते हैं, वो मैंने बनाई है। देखिए आप ऊपर लिंक आ रहा है, उस शेयर मार्केट में किन तरह के फ्रॉड से आपको बचना चाहिए वो सब वीडियो में बताया गया, आप जरूर देखिएगा उस वीडियो को, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, सभी के लिए, किसी भी तरह का इन्वेस्टर हो उसके लिए वो वीडियो बहुत ही जरूरी है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी तो होनी ही होनी चाहिए, तो फर्स्ट क्राइटेरिया कंपनी को लेने का है ही। उसके बाद चर्चा आती है थोरो एनालिसिस,
तो थॉरो एनालिसिस में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भाई साहब जो भी आप एनालिसिस करिए किसी कंपनी को लेते समय वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए आपका। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो हो सकता है आप किसी और से हेल्प लीजिए, फाइनेंशियल एजुकेशन लीजिए अपनी, और इम्प्रूव करिए अपने को, फंडामेंटली जानिए कंपनी में क्या क्या होता है, कंपनी के मेंबर से मिलिए, कंपनी के बारे में जानिए, आगे पीछे कंपनी की देखिए हिस्ट्री, देखिए फ्यूचर ग्रोथ क्या है, फ्यूचर बिजनेस कैसे हैं, तो सब कुछ आप थोड़ा एनालिसिस करके ही किसी कंपनी में अपना जो पैसा इन्वेस्ट करिए। देखिए पैसा कमाना बड़ा कठिन है आजकल के ज़माने में, ये भी आप जानते होंगे, इतना भी कठिन नहीं है, लेकिन पैसे को सही तरह से इन्वेस्ट करना वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आप समझ रहे होंगे मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। उसके बाद बात आती है राइट टाइम टू एंटर, एंट्री का टाइम बहुत ही राइट होना चाहिए, ये समझिए आप। कभी भी किसी भी प्राइस पे आप किसी भी कंपनी को ऐसे खरीद लेंगे तो देखिए आपका लॉसेस भी ज़्यादा हो सकते हैं और हो सकता है आपको प्रॉफिट भी हो जाए। तो इस तरह से कंपनी की जो वैल्यूएशन है उस पर ध्यान दीजिए थोड़ा, राइट टाइम टाइम का इंतजार करिए। शेयर मार्केट में देखिए मैंने अक्सर देखा है कि अच्छी अच्छी कंपनी उसके प्राइस भी बहुत गिर जाते हैं, तो राइट टाइम का इंतजार आपको जरूर करना चाहिए। उसके बाद बात आती है हाउ मच टू इन्वेस्ट, ये डिफाइन कर लीजिए पहली, मैं आपको बता रहा हूँ पूरा पैसा कभी भी शेयर मार्केट में मत लगाइए। ये मान के चलिए कि शेयर मार्केट में आप जो भी पैसा लगा रहे हैं, जो भी शेयर्स आप खरीद रहे हैं, मान के चलिए वो जीरो हो जाएगा, तो उस तरह से मान के चलिए, उस तरह से सेफ्टी रखिए कि बैक आपके पीछे आपके सेफ्टी रहनी चाहिए पैसों की। कुछ एफडी में है, कुछ सेविंग्स में है, कुछ आपने कहीं और इन्वेस्ट किया है, कुछ एनपीएस में है, कुछ पीपीएफ में, तो इस तरह से आप सेफ्टी लेके चलिए, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करिए कुछ रुपए शेयर मार्केट में। उसके बाद बात आती है रिटर्न एक्सपेक्टेशंस, देखिए रिटर्न्स एक्सपेक्टेशन जो भी आपके हैं वो बहुत अच्छा है, तो उस तरह से आप अपने रिटर्न्स एक्सपेक्टेशंस को डिफाइन करिए कि मेरे को 100% इससे रिटर्न चाहिए, या ये शेयर दोगुना हो जाए या चौगुना हो जाए, उस तरह से जब अपने एनालिसिस करेंगे अच्छी सी फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे तो आपको ये सब बातें बहुत ही आराम से समझ में आ जाएंगी। उसके बाद चर्चा आती है फॉरगेट बट नॉट फुली, देखिए बहुत लोग कहते हैं कि बस पैसा लगाओ और भूल जाओ, मैं इस बात से सहमत हूं लेकिन पूरी तरह से सहमत नहीं हूं। मैं ये चाहता हूं कि आप पैसा लगाइए उसको भूल जाइए, ये बात सही है, लेकिन टाइम टू टाइम उसका एनालिसिस करते रहिए, बहुत जरूरी है। पता चला आप पैसा लगाया बिल्कुल ही भूल गए तो ध्यान रखिएगा आपका पैसा भी आपको भूल जाएगा, ऐसा नहीं होता। मेरा ये मानना है कि आज के एक्टिव वर्ल्ड में थोड़ा सा आपको एक्टिव रहना चाहिए अपने, अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है शेयर मार्केट में। तो ये सब चर्चा रही कि आपको क्या फॉलो करना चाहिए, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को क्या फॉलो करना चाहिए। हल्का समराइज कर देता हूं मैं, एक गोल्स होने चाहिए आपके, ठीक है, फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी चुनिए, थोरो एनालिसिस करिए, अच्छे से एनालिसिस करिए उसका, टाइम की इंतजार करिए, राइट टाइम टू एंटर, किसी शेयर को किसी भी प्राइस में मत खरीदिए। इससे आप ये मत निकालिएगा कि मैं कह रहा हूं कि आप मार्केट को टाइम करेंगे, अक्सर सुना होगा आपको कि कोई भी मार्केट को टाइम नहीं कर पाया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मार्केट को टाइम नहीं कर, लेकिन एक ठीक ठाक वैल्यूएशन पे किसी कंपनी में एंटर हुई है, ये मेरा इस राइट टाइम टू एंटर के माध्यम से आपको कहना है। उसके बाद देखिए कितना पैसा इन्वेस्ट करना है वो मैंने आपको बता दिया, रिटर्न क्या एक्सपेक्टेशन है वो आप जानिए, उसके बाद फॉरगेट बट नॉट फुली, पूरी तरह से मत भूलिए, थोड़ा एक्टिव रहिए, कभी कभार एक दो महीने में, या हो सकता है मंथली बेसिस में, या हो सकता है ईयरली बेसिस या हाफ ईयरली बेसिस में अपने पोर्टफोलियो पे नजर मारते रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं, चर्चा को बढ़ाते हैं और अब देखते हैं कि एक कंपनी में जो आप कंपनी लेने जा रहे हैं, अल्टीमेटली आप किसी कंपनी के शेयर खरीदने जा रहे हैं, तो उसमें आपको क्या देखना चाहिए। LTIs का यहाँ पे मीन्स है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, तो ये चर्चा करते हैं। पहला तो आप जानिए ग्रुप सेक्टर एंड हिस्ट्री, ग्रुप किस ग्रुप को बिलोंग करता है, बजाज टाटा या रिलायंस या और सारे ग्रुप हैं, जेके ग्रुप या बहुत सारे जो ग्रुप हैं जाने माने, उस किस ग्रुप को बिलोंग करती है कंपनी, उस ग्रुप में क्या कुछ दिक्कत तो नहीं चल रही है अभी, या कुछ फ्रॉड एंड स्कैम ज़्यादा तो नहीं आ रहे। फ्रॉड एंड स्कैम मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैंने जो वीडियो बताई है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया, आप जानेंगे किस तरह से किसी भी ग्रुप की कोई भी कंपनी कैसे भी फ्रॉड हो सकता है आपके साथ। बिल्कुल सचेत रहिए शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हुए, सचेत रहेंगे तो आपका जो पैसा है वो ग्रो करेगा, अगर सचेत नहीं रहेंगे तो देखिए लॉसेज होने के बहुत चांस हैं। मैं इस मार्केट को शेयर मार्केट नहीं कहता हूँ, ध्यान रखिए, मैं इसको कहता हूँ शार्प मार्केट, चाकू जैसा पैना मार्केट है ये, अगर आपकी नजरें हटी चाकू पर से तो चाकू आपको जख्म देके जाएगी, जख्म का मतलब होता है लॉस देके जाएगी। अगर आपने सही समय सही तरह से चाकू का यूज किया, सही तरह से शेयर मार्केट का यूज किया, तो आपकी सब्जी अच्छी कटेगी और आपकी दाल भी अच्छी पकेगी, तो ध्यान रखिए इस बात का। पहले तो ग्रुप देखिए, सेक्टर देखिए किस सेक्टर को बिलोंग करती है, उसके बाद हिस्ट्री क्या है उस ग्रुप की या उस सेक्टर की, हिस्ट्री कैसे रही, आगे उसका क्या परफॉर्मेंस है। तो एक कंपनी में ये बात देखना बहुत जरूरी है किसी भी कंपनी को देखने से पहले, और एक बेसिक एनालिसिस कैसे होती है कंपनी की देखिए, उसकी वीडियो भी मैंने बनाई है,
तो मैं जो वीडियो जो आपको जानना है किसी के बारे में, ये सब वीडियो इंटरलिंक्ड होती हैं, तो आप उस वीडियो को जरूर देखा करिए ताकि आपको पता चले कि बेसिक एनालिसिस में किसी शेयर की कैसे कर सकता हूँ। तो बेसिक एनालिसिस के बारे में ऊपर देखिए लिंक आ रहा होगा, किसी शेयर की बेसिक एनालिसिस कैसे होती है, कैसे ग्रुप सेक्टर हिस्ट्री उसकी जानते हैं, तो ऊपर लिंक आ रहा है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए। उसके बाद देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, स्ट्रांग फंडामेंटल्स। जैसे मैंने आपको बताया कि फंडामेंटल्स तो बहुत 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 स्ट्रांग होने चाहिए कंपनी के, तभी आप उस कंपनी में एंटर होने की सोची। उसके बाद बात करते हैं सस्टेनेबल एंड ग्रोथ बेस्ड बिजनेस मॉडल। इस बात को आप समझिए, जो जो उसका फ्यूचर है कंपनी का, वो सस्टेनेबल होना चाहिए। ये आपको कैसे पता चले आपका? आप कहेंगे कि यार हमें कैसे पता चलेगा कि कोई कंपनी आगे फ्यूचर में क्या करने वाली है। मैं जानता हूं कि किसी को नहीं पता कि हमारा फ्यूचर भी हमको नहीं पता, इवन कि इस अर्थ का फ्यूचर, इवन कि इस यूनिवर्स का फ्यूचर, इवन मैं कह रहा हूं इस मल्टी यूनिवर्स, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा, इस सब का फ्यूचर किसी को नहीं पता। लेकिन ये हम अपने एनालिसिस से जान सकते हैं कि मोटा मोटा आगे क्या हो सकता है, बस हम हो सकता है पे डिपेंड हो सकते हैं। तो अगर आप हो सकता है सही से निकालेंगे, तो आप सोचिए आपका इन्वेस्टमेंट भी तो सही डायरेक्शन में जा रहा है ना। आप बिना ऐसे ही उलझुल बातों में आके या इधर उधर बिना कुछ देखे किसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा एनालिसिस करिए, किसी कंपनी में इन्वेस्ट करें तो उसके बारे में पहले जानिए। 10-15 दिन, हो सकता है 1 महीना लग जाए आपको, हो सकता है कभी 2 महीना भी लग जाए इन कंपनी में इन्वेस्ट करते समय, लेकिन पहले जान लीजिए, उसके बाद ही अपना पैसा लगाइए। तो सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल होना चाहिए, ग्रोथ बेस्ड बिजनेस मॉडल होना चाहिए। अगर ग्रो करेगी कंपनी तभी कंपनी का शेयर प्राइस भी अट्रैक्टिव होगा और ग्रो करेगा। उसके बाद आता है मैनेजमेंट एंड एथिक्स, बहुत जरूरी है। कई कई बड़े ग्रुप के मैनेजमेंटों ने कितने घपले किए आपको भी पता होगा अच्छे से। और एथिक्स पे बहुत ध्यान दीजिए कि मैनेजमेंट के एथिक्स कैसे हैं, क्या वो अच्छे से बिजनेस कर रहे हैं, डिविडेंड और बहुत सारी बातें होती हैं, क्या वो सही ढंग से उनको फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद आता है प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, ये तो बहुत जरूरी है। देखिए अगर कंपनी प्रॉफिट कमा रही है तभी तो वो आपका शेयर प्राइस में अच्छा आपको अच्छी ग्रोथ दिखेगी। अगर कंपनी लॉस मेकिंग है तो बताइए उसमें इन्वेस्टमेंट कौन करना चाहेगा। उसके बाद आता है गुड वैल्यूशंस, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि कंपनी जो है वो अच्छे वैल्यूशंस पे लीजिए। बहुत सारी कंपनी देखिए कोविड के चलते जो अभी समस्या हुई थी, आपने को याद होगा जब 7,500 निफ्टी आ गया था, इंडेक्स की वैल्यू जो है 7,500 करीब आ गई थी, तो कितनी सारी कंपनियां कितने अच्छे वैल्यूशन पे प्रेजेंट थी। तो ऐसा ध्यान रखिए, ऐसे मौके बार बार आते हैं और हो सकता है इन फ्यूचर अभी आने वाले हों 1-2 सालों में या उसके बाद भी आए, तो आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना है मार्केट में। कम से कम निफ्टी पे तो नजर डालते रहिए कि क्या हाल चल रहा है निफ्टी का, देश विदेश में क्या इकोनॉमी चल रही है। तो बहुत ऐसा नहीं है कि आपको, अगर आप एक्टिवली वर्क नहीं करना चाहते हैं शेयर मार्केट में, तो तब भी आपको शेयर मार्केट में घुसे रहना है, ऐसे नहीं। आप थोड़ा थोड़ा टाइम पे कभी संडे को देख लिया, कभी थोड़ी सी न्यूज़ पढ़ ली, कभी ये हो गया, तो इस तरह से आप थोड़ा मोटा मोटा जानकारी ले सकते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट को, जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, उसको भी नजर मारते रहिए थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल भूलने की जरूरत नहीं। तो ये सब हमने बातें करी, एक कंपनी में आपको क्या देखना है, ग्रुप देखना है, सेक्टर देखना है, उसकी हिस्ट्री देखनी है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स होना चाहिए, सस्टेनेबल और ग्रोथ बेस्ड बिजनेस मॉडल होना चाहिए, मैनेजमेंट एंड एथिक्स सब अच्छे होने चाहिए, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी होनी चाहिए और गुड वैल्यूएशन पे अच्छे दाम पे आपको खरीदना है। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करेंगे आप देखिए स्ट्रेटेजीज फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आप क्या क्या स्ट्रेटेजीज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अपना सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहला तो है गुड कंपनी, जो मैंने आपको बता दिया कि कंपनी में आपको क्या क्या देखना है, आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा वो। उसके बाद आता है गुड एंड स्ट्रॉन्ग बास्केट, ये ध्यान रखिए कि कभी भी एक कंपनी में पूरा पैसा मत इन्वेस्ट करिए। अगर आप एक कंपनी में पूरा पैसा इन्वेस्ट कर देंगे, मान लीजिए किसी एबीसी कंपनी आपको बहुत पसंद आ गई, वो तो अगर आपने पूरा पैसा इन्वेस्ट कर दिया, उस कंपनी का फ्यूचर आप बिल्कुल ही नहीं जान सकते, बस आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं कि आगे ये कंपनी इस तरह से ग्रो कर रही है तो आगे इस तरह से ग्रो करेगी, बस। पूरा फ्यूचर आप, पूरा एक दिन में ही कंपनी का क्या हालत हो जाए आपको कुछ भी नहीं पता, कौन सा स्कैम निकल जाए, कौन से फाइनेंशियल खराब हो जाए कंपनी के, आपको कुछ भी नहीं पता। जैसे कोविड के चलते देखिए आपने देखा होगा कई सारी कंपनी उसके फाइनेंशियल बुरी तरीके से इम्पैक्ट हुए हैं, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ। तो आपके जो बास्केट होना चाहिए, जो आपके शेयर्स की टोकरी होनी चाहिए, उसमें कम से कम 10 और ज्यादा से ज्यादा आप मान सकते हैं 30 शेयर्स तो आपके पास होने चाहिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं। आप थोड़ा एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, आप कहते हैं नहीं मैं बस 10 से ही कमाऊंगा, 10 मेरी बहुत अच्छी मेरी रिसर्च रही है, तो आप 10 ले लीजिए। आप थोड़ा सा डिफेंसिव मोड में आ गए कि यार थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा सेफ्टी चाहिए,
सेफ्टी तो चाहिए रे बाबा। तो आप 15 ले लीजिए, 20 ले लीजिए, 30 ले लीजिए। 30 शेयर्स तक मुझे लगता है ठीक ठाक सी क्वांटिटी, अच्छी बहुत सारी कंपनी, अच्छी कंपनीज मिल जाएंगी आपको। लेकिन 30 से ज़्यादा फिर वो हो जाता है, फिर आपको वॉच करना भी मुश्किल रहेगा, आप उसमें ट्रैक प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। तो ठीक ठाक से 30 कंपनियाँ अच्छी आपने ढूंढ ली, अगर मान लीजिए उसमें 10-20 कंपनियाँ भी चल गई, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा। तो ये होता है प्रॉपर परसेंटेज एलोकेशन दीजिए, रीबैलेंसिंग विद टाइम, रीबैलेंस करते रहिए। मैंने वही बोला कि कभी 6 महीने में देख लिया, हो सकता है कभी 1 महीने में मंथली बेसिस में देख लिया। तो इस तरह से एक गुड और स्ट्रांग बास्केट बनाइए। उसके बाद आता है लॉन्ग टाइम फॉर मनी ग्रो। भैया मनी ग्रो होने के लिए लंबा समय दीजिए। लंबा समय मैंने जैसे आपको बता दिया 3 से 10 शेयर, वो आपके ऊपर भी है। आप हो सकता है 2 साल में ही आपको बहुत ठीक लग रहा हो कि हाँ भाई इस कंपनी का शेयर प्राइस बहुत बढ़िया, अब तो नहीं बढ़ेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं, जो अच्छी कंपनियाज होती हैं उनका फिर शेयर प्राइस फिर रुकने का नाम नहीं लेता। देखिए आयशर मोटर्स, HDFC बैंक और कितने सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, आप जानते होंगे कि आज उनके शेयर प्राइस, हनीवेल ऑटोमेशन और बहुत सारे ऐसी कंपनीज हैं जो आप देखिए अपने कहाँ से कहाँ हजारों में बिक्री हैं, और MRF सबसे बड़ा एग्जाम्पल। तो ध्यान रखिए इस बातों का कि जो अच्छी कंपनीज होती हैं अगर आपके पोर्टफोलियो में हो तो उनको पकड़ के रखिए लंबे समय तक। ये सब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बातें हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। डोंट बी अ एवरीडे गेमर। एवरीडे गेमर नहीं बनना है, हर दिन आपको खेल नहीं खेलना है शेयर मार्केट में। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अच्छे शेयर्स लीजिए, अच्छे दाम पे लीजिए और उनको पकड़ के रखिए। उसके बाद आता है एवरेजिंग कॉन्सेप्ट, बहुत जरूरी है ये, बहुत जरूरी। मैं बार बार आपको बताता हूँ वीडियोज में कि एवरेजिंग का कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, और एवरेजिंग के ऊपर पूरी चकाचक धमाधम वीडियो मैंने बना रखी है, ऊपर लिंक आ रहा है आप देखिए, तो उसको समझ में आएगा कि किस तरह से एवरेजिंग का कॉन्सेप्ट अपना के आप फायदा उठा सकते हैं किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट में। आप किस तरह से फायदा उठा सकते हैं एवरेजिंग के कॉन्सेप्ट का, कोई चर्चा नहीं करेगा इस बात की कि एवरेजिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्यों आपको अपनाना चाहिए। सब अलग अलग वीडियो बनाते हैं, बहुत अच्छी बात है, सबको बनानी भी चाहिए, नॉलेज बेस्ड वीडियो सब यूट्यूबर्स बनाते रहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि एवरेजिंग के कॉन्सेप्ट से जिस तरह मैंने अपने प्रॉफिट्स कमाए, उस तरह से आप भी बिल्कुल कमा सकते हैं अगर आप ठीक तरह से एवरेजिंग, एवरेज एक दवा है, उसको ठीक समय पे लेंगे तो बहुत ही अच्छा वो आपको बेनिफिट करवा सकती है। तो ध्यान रखिए एवरेज के ऊपर वीडियो जरूर देखिएगा। उसके बाद एवरेजिंग का कॉन्सेप्ट अपनाइए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में भी। फिर आता है इन्वेस्ट इन ऑल टाइप्स ऑफ मार्केट कैप कंपनीज। ये मत आप सोच के चलिए कि सिर्फ आप सभी पैसा स्मॉल कैप मार्केट कंपनीज में लगा दें, या हो सकता है सब मिड कैप में ही लगा दो, या हो सकता है सब लार्ज कैप में। ऐसा नहीं, ऐसा मत करिए। मेरा जो रूल सा है थोड़ा वो मैं आपको बता देता हूँ, ये आपके ऊपर डिपेंड है, चेंज भी कर सकते हैं आप ये परसेंटेज एलोकेशन को। 60% जो पैसा है वो लार्ज कैप कंपनीज में लगाइए, 30% मिड कैप में और 10% स्मॉल कैप में। क्योंकि जो स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं वो थोड़ा सा अच्छे वैल्यूएशन पे आपको मिल सकती हैं, और अगर 10% पैसा भी लगाएंगे अगर वो अच्छा ग्रो कर गया तो समझ लीजिए फ्यूचर में लार्ज कैप से भी ज़्यादा आपको वो रिटर्न देगा। और ये मे बी डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकता है, जैसे मैंने बताया कि आपका एलोकेशन 50-40-10 भी हो सकता है, आपका एलोकेशन 40-40-20 भी हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड। आप देखिए आपकी रिस्क लेने कैपेसिटी कैसी है, किस तरह के आप इन्वेस्टर हैं, क्या आप चाहते हैं इन्वेस्टमेंट से, कैसे आपके गोल्स हैं, तो उस तरह से आप इन्वेस्टमेंट करिए। तो ये हमने आज क्या इस पेज में हमने क्या डिस्कस किया, स्ट्रेटजीज फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ऐसे लेना चाहते हैं बिल्कुल लीजिए, और इसको देखिए एक एक नज़र में आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ मुझे ये बात फॉलो करनी। इसीलिए मैं प्रेजेंटेशन बेस्ड वीडियो में ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे आपको पूरी वीडियो ना भी देखनी हो, सिर्फ आपको स्क्रीनशॉट लेने हैं, तो आप स्क्रीनशॉट लेके उनमें देख सकते हैं कि किन किन बातों का क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। तो स्ट्रैटेजीज आपको मुझे उम्मीद है समझ में आ गई होगी। अच्छी कंपनी चुनिए, अच्छी बास्केट बनाइए अपने शेयर्स की, थोड़ा समय दीजिए, लंबा समय दीजिए, एवरेजिंग का कॉन्सेप्ट अपनाइए और सभी तरह की मार्केट कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करिए। आइए आगे बढ़ते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और देखिए व्हाट नॉट टू डू, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को क्या नहीं करना चाहिए। जिस तरह से स्विंग ट्रेडर इन्वेस्टर को क्या नहीं करना चाहिए, इंटरडे को क्या नहीं करना चाहिए, उसी तरह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनको क्या नहीं करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो देखिए क्या नहीं करना चाहिए। फर्स्ट तो है डोंट सेल इन पैनिक। पैनिक में कभी सेल मत करिए, देखिए कभी मत सेल करिए। अभी जो कोरोना के केसेस आए, कोरोना की महामारी आई, तो उसमें देखिए कितने लोगों ने अपने जो शेयर्स हैं वो लॉसेज में बेच दिए, क्योंकि कंपनी बहुत ज़्यादा गिर गई थी, कंपनी के प्राइस बहुत ज़्यादा गिर गए थे, कंपनी के शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा डाउन हो गए थे, तो सबने पैनिक में सेल कर दिया कि अब तो सब कुछ खत्म होने वाला। लेकिन फिर उसने रिकवरी दिखाई और आज देखिए कम जो निफ्टी है वो लगभग लगभग अपने हाई के करीब पहुँचता जा रहा है। उसके बाद बात आती है कि डोंट फॉरगेट टू मेक प्लान बी और प्लान सी। ये बातें देखिए इतने माइन्यूट हैं, ये आपको मुझे लगता नहीं किसी वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि मैंने भी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं यूट्यूब में, मुझे लग नहीं रहा किसी वीडियोस में इन बातों की चर्चा करी जा रही है, जबकि ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जिनकी चर्चा करनी चाहिए हमें।
मेरा मकसद वही है, जो आपको कांटेक्ट ना मिले कहीं वही मैं आपको बताऊं, ताकि आप बेसिक चीजें सीख के ही अपना ज्ञान बढ़ाएं और अच्छे से इन्वेस्टमेंट कर पाएं। बहुत ही आसान है सब कुछ, मैं बार बार बोलता हूँ, बहुत ही आसान है। बस बेसिक सी चीजें, उनको आप ध्यान रखेंगे तो बहुत ही अच्छे ढंग से आप इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। तो प्लान बी और प्लान सी आपके पास जरूर होना चाहिए। मान लीजिए आपने किसी कंपनी के 10 10 शेयर्स लिए, 10 कंपनियों के शेयर्स लिए, और आपके पास फिर आगे चल के हो सकता है वो गिर जाए, हो सकता है वो बढ़ जाए, तो किस तरह से आप एवरेज करेंगे? अगर एवरेज नहीं करेंगे तो किस तरह से आप सेल करेंगे उसके? और देखिए, बाइंग किस तरह से करनी है शेयर में, और सेलिंग किस तरह से करनी है, उसकी भी प्रॉपर डिटेल में वीडियो, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे टॉपिक होते हैं, कि मतलब बहुत ही ज्ञानवर्धक टॉपिक रहेंगे अगर आप जान लेंगे कि आपको बाइंग, जो बाइंग करनी है शेयर्स की बाइंग, वो किस तरह से करनी है, कब करनी है, किन तरह की कंपनीज में करनी है, और सेलिंग जो बेचना है आपको कब करना है, कैसे करना है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो इन दोनों के ऊपर डिटेल वीडियो अलग-अलग, एक तो बाइंग के ऊपर देखिए, ऊपर लिंक आ गया होगा, और दूसरी देखिए सेलिंग के ऊपर, उसका भी लिंक आ गया होगा। तो ये वीडियो मैंने डिटेल में बनाई है, तो इसको भी आप देखेंगे तो आपका ज्ञान बहुत बढ़ेगा। तो आप इस वीडियो में आगे बढ़ाते हैं अपनी बात को। तो ये बात है कि डोंट फॉरगेट टू मेक प्लान बी एंड प्लान सी। प्लान बी और प्लान सी आपके पास पहले ही तैयार होना चाहिए जब आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो। उसके बाद बात आती है, नेवर हैव अ सिंगल एग इन योर बास्केट। बहुत ध्यान रखिए कि कभी भी, मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था कि एक कंपनी का शेयर, सिर्फ एक कंपनी का शेयर मत खरीदिए। अगर वो अंडा फूट गया, अगर वो शेयर फूट गया, अगर वो कंपनी फूट गई, तो आपका सब कुछ बर्बाद हो सकता है। ये बात बहुत ध्यान रखिए। उसके बाद आता है, डोंट फॉरगेट टू टाइमली एनालिसिस। ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि बिल्कुल पैसा डाल के तो ऐसा ना हो कि आप सालों साल, 2 साल या 10 साल भूल ही जाएं, ऐसा नहीं है। आप उसको थोड़ा टाइमली एनालिसिस करते रहिए, एक्टिव रहेंगे तो आपको हो सकता है एवरेज करना पड़े, एवरेज अप करना पड़े या एवरेज डाउन करना पड़े, तो आप उस तरह से अपना पोर्टफोलियो देख सकते हैं। उसके बाद बात है, डोंट टेक टिप। ध्यान रखिए, जिसने ली टिप उसकी शुरू हो जाएगी लॉसेस की सिप। ध्यान रखना ये बात, जो टिप लेगा उसकी लॉसेस की सिप शुरू हो जाएगी। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो आप म्यूचुअल फंड में फॉलो करते हैं, फिर वो लॉस में फॉलो करेंगे आप, थोड़ा लॉस, फिर ज्यादा लॉस, फिर उससे ज्यादा लॉस। इस तरह से ना करिए, टिप ना लीजिए किसी की, अपने ऊपर विश्वास रखिए। भगवान ने आपको इतना प्यारा, इतना अच्छा दिमाग दिया, इतना अच्छा माइंड दिया है, उसका यूज करिए, हल्का से यूज करिए, बेसिक एनालिसिस करिए कंपनी के, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करिए। तो टिप पे विश्वास बिल्कुल ना करेंगे, वरना आपकी लॉसेस की जो सिप है वो शुरू हो जाएगी। ये बात ध्यान रखिएगा। डोंट इन्वेस्ट ऑल योर मनी इन शेयर्स। मैंने जैसे पहले ही बता दिया था वीडियो की शुरुआत में कि पूरा पैसा शेयर्स में मत लगाइए, सेफ्टी रखिए अपने पैसों की, कभी भी किधर भी इमरजेंसी में आपको जरूरत पड़ सकती है, तो ये बात का ध्यान रखिए। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि क्या नहीं करना है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को, क्या नहीं करना है। पैनिक नहीं करना है, सेल नहीं करना है पैनिक में, प्लान बी और प्लान सी तैयार करने हैं आपको। कभी भी पूरा पैसा एक कंपनी मत इन्वेस्ट करिए, टाइमली एनालिसिस को मत भूलिए, टिप मत लीजिए, और सभी पैसा शेयर्स में मत लगाइए। तो ये नहीं करना है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं समरी, समराइज कर लेते हैं। बहुत ही छोटी समरी, बहुत ही अट्रैक्टिव समरी है इस वीडियो की। तो वो चीज है, देखिए, गुड कंपनी, अच्छी कंपनी चुनिए, टाइमली एनालिसिस करिए अपने पोर्टफोलियो का, बी पेशेंट, पेशेंस रखिए, और प्रॉफिट कमाइए। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। तो बहुत ही ब्रीफ में समरी है, देखिए, अच्छी कंपनी चुनिए, टाइमली एनालिसिस करिए, पेशेंट रहिए, और अपना प्रॉफिट का पेड़ ग्रो करिए। और मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए, यहाँ पे कोई रेस नहीं हो रही। आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर में हैं तो आप किसी के साथ रेस नहीं कर रहे। वो इस बात से आपको समझ में आएगा कि यू आर द ओनली कंटेस्टेंट फॉर योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आप ध्यान रखिए इस बात का, आप सिर्फ अपने ही कंटेस्टेंट है, आप सिर्फ सिंगल कंटेस्टेंट है, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म अवधि में देख रहे हैं। तो ये कोई स्विंग ट्रेडर या कोई इंटरडे ट्रेडिंग और कोई भी तरह की ट्रेडिंग हो, आप अपने कंटेस्टेंट खुद ही हैं। आप किसी से कंपेयर मत करिए कि उसको इतना मिला, उसको इतना मिला, उसने ऐसी कंपनी चुनी, उसने इतना प्रॉफिट कमाया, ये कंपेरिजन मत करिए, वरना आप दुखी रहेंगे। आप ये देखिए कि आपने कितनी एनालिसिस करी थी, उसके बेसिस पे आपने कितनी अच्छी कंपनी चुनी, और उसके बेसिस पे आपने कितना अच्छा प्रॉफिट कमाया। इस बात पे ध्यान रखिए। तो ध्यान रखिए इस बात का, यू आर द ओनली कंटेस्टेंट फॉर योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। एंड करते हैं वीडियो का, और आज की बात के साथ एंड करेंगे। और जो आज की बात है वो ये है दोस्तों, अच्छे शेयर्स, उचित दाम, धैर्य और इच्छा शक्ति। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, अच्छे शेयर्स, उचित दाम, धैर्य और इच्छा शक्ति, यही है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की सरल युक्ति। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से इसको दिमाग में छाप लीजिए कि अच्छे शेयर्स, उचित दाम, धैर्य और इच्छा शक्ति, यही है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की सरल युक्ति।
बहुत ही आसान युक्ति है, बहुत ही आसान वे है। अच्छे शेयर्स लीजिए, उचित दाम पे लीजिए, धैर्य रखिए और इच्छा शक्ति को अपने मजबूत करिए, अपनी नॉलेज को, बेस को मजबूत करिए। इन वीडियो का पर्पस यही रहता है कि आपको नॉलेज प्रोवाइड करवाई जाए ताकि आप अच्छे से अपना इन्वेस्टमेंट कर पाएं, अच्छे से अपने पैसे इन्वेस्ट कर पाएं और अच्छा प्रॉफिट कमा पाएं। उम्मीद है ये सब वीडियो, ये सब प्रेजेंटेशन, ये सब स्लाइड आपको पसंद आ रही होंगी। आप कमेंट में जरूर बताइए कुछ चेंज करना हो, क्या आपको लगता है किस तरह से और वीडियो इम्प्रूव हो सकती हैं, या ये सब देखिए हमारी फैमिली है, आप अगर मुझे इनपुट देंगे तब मैं उस पे बेसिस पे आउटपुट आपको दे सकता हूँ। और बाकी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि सब कुछ ठीक ठाक रहे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो की मेहनत के लिए मुझे लगता है एक लाइक तो बनता है, उसके बाद वो आपकी मर्जी है, सब्सक्राइब का देख लीजिए आपकी मर्जी है। सो वीडियो का एंड करते हैं और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्लेलिस्ट आ रही है ऊपर, सब कुछ डिटेल में बता रहा हूँ मैं हर वीडियो में। अगर लॉसेस होगा तो फिर ये आपकी जिम्मेदारी होगी कि आपने वीडियो नहीं देखी। प्लेलिस्ट आ रही है, सब कुछ बता रहा हूँ धीरे धीरे में वीडियो में, किस तरह से आपको बचना है शेयर मार्केट में, किस तरह से अच्छे प्रॉफिट कमाने हैं, क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। वीडियो इस तरह से बनाता हूँ कि कहीं भी चलते घूमते, खाना खाते, इधर उधर कहीं भी आप सुन लीजिए, आपको मजा आ जाएगा, आप आराम से इंजॉय करेंगे और आपको नॉलेज भी मिल जाएगा। तो एंड करता हूँ वीडियो का, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।